कोई उसे महानायक कहता है, कोई उसे खलनायक कहता है, कोई उसे कहता है गरीबों का मसीहा, कोई कहता है आतंक और दहशत का दूसरा नाम। सियासत के बाहुबली के पहले सीरीज में आज हम जानेंगे पप्पू कालानी की संपूर्ण कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आज हम बात करेंगे पूर्व टाडा आरोपी व पूर्व विधायक पप्पू कालानी की। किसी जमाने में उल्लासनगर ही नहीं पूरे भारत में कालानी के नाम की तूती बोलती थी। कुछ लोग उन्हें जनता का दुलारा कहते तो कुछ आतंक और दहशत का दूसरा नाम देते। दरअसल 80 के दशक में कुछ दहशतवादी गुट और गुंडे किस्म के लोगों द्वारा पूरे उल्लासनगर और विशेषकर व्यापारिक और धार्मिक कहे जाने वाले सिंधी समुदाय के लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन जायदाद हड़प कर दहशत फैलाने जैसे काम जोरों पर थे। तब एक सिंधी युवा छात्र नेता के रूप में एक राजनीतिक और व्यापारी परिवार से एक सूरज का उदय हुआ। वो सूरज शहर हित और समाज हित में इतना प्रबल और कट्टर निकला कि उसके सामने सिर्फ शहर और सिंधी समुदाय को ही शीर्ष पर ले जाने का जुनून सवार था। वो नेता आगे चलकर छात्र नेता से जल्द ही लोक नेता बन गया। लोक नेता भी ऐसा कि इतिहास में उनके जैसा न उल्लासनगर और ना ही सिंधी समुदाय में कोई पैदा हुआ। वो नेता पहले शहराध्यक्ष फिर जल्द ही विधायक बन गया। विधायक भी ऐसा कि उसने पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर इतिहास रचा। 80 के दशक में जहां शहर नए नए उन्नति के दौर में गुजर रहा था, वहीं कालानी ने उल्लास नगर को सिंगापुर बनाने का सपना शहर को दिखाया और यकीन मानिए उसने ऐसा करके दिखाया भी। आपको बताते चले कि उस दौर में उल्लास नगर महानगर नगरपालिका ना होकर नगरपालिका थी, जिसका सालाना बजट सिर्फ कुछ लाखों रुपए था, मगर कालानी के नगर अध्यक्ष बनने के बाद अचानक से करोड़ों में पहुंच गया। उस पैसे से कालानी ने कई सीमेंट के रोड बनवाए, जो उस समय बड़ी से बड़ी महानगर पालिकाएं बनाने का सपना भी नहीं देख सकती थी। उसी सीसी रोड को पूरे उल्लासनगर में बनाकर पूरे भारत देश को चौंका दिया। हैरत की बात यह है कि 80 और 90 के समय के बने वो रोड अभी भी मजबूत है, जबकि आज के दिनों के बने रोड कुछ हफ्तों में उखड़ जाते हैं। ऐसा था शहर का महानायक पप्पू कालानी। मगर अच्छा काम करने और राजनीति में रहने से कई दाग भी उन पर लगे, जैसे बिल्डिंग बनाने के समय 20 और 30 रुपए प्रति फुट लेना और अवैध निर्माण को बढ़ावा देना, उनके साथ ही कई गुंडों को मारना, कई राजनीति हत्याएं करवाना, अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने समेत कई संगीन आरोप उन पर लगे और कई मामले दर्ज हुए। इसकी वजह से कालानी पर महाराष्ट्र का सबसे सख्त कानून लगाया गया। उसके बाद उनको टाडा कानून के तहत गिरफ्तार कर 1992 में जेल भेज दिया गया। वहीं एक दशक तक जेल में रहने के बाद वो बाहर निकले। जेल में रहने के बाद दो दो बार भारी मतों से विधायक की जीत कर ना सिर्फ अपने विरोधियों को अचंभित कर दिया बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। ये जनता का ही साथ और विश्वास था जो जेल में रहकर भी अपने शहर अपने समुदाय के नेता को एक लाडला नेता बना दिया। ऐसा नेता जो जेल में रहकर भी शहर के लिए अच्छा भला सोचता और करता रहा। जेल से आने के बाद भी जनता के हीरो को फिर से जनता ने चुना, मगर कुछ वर्षों बाद 2009 के चुनाव में कुमार एलानी नामक व्यवसायी से कालानी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी वो लोगों के नेता और एक मसीहा बनकर रहने लगे। साथ ही 90 के दशक में बढ़ीजा बंधुओं की हुई हत्या के आरोप में 2013 और 14 को न्यायालय ने पप्पू कालानी को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये खबर सुनते ही शहर में मातम छा गया। कालानी के जेल जाते ही शहर को फिर से ऐसे नेता की जरूरत पनपने लगी जो व्यापारी वर्ग की और शहर की सुरक्षा व जिम्मेदारी उठा सके। परंतु जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही कालानी परिवार में पप्पू कालानी की पत्नी ज्योति कालानी, जो शहर उमनपा में प्रथम लेडी रह चुकी हैं, उन्होंने 2014 में जहां पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद भाजपा के वर्तमान विधायक कुमार एलानी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। ये जनता का साथ और पप्पू कालानी पर जनता का विश्वास था जो पप्पू कालानी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ज्योति कालानी को जनता ने जीत दिलाई।
ज्योति कालानी जो एक आयरन लेडी मानी जाती है, मगर उनका स्वास्थ्य ठीक न होने और पप्पू कालानी के जेल में रहने के चलते ओमी कालानी का राजनीति का आगाज हुआ। ओमी से जनता को पप्पू जैसी ही कई उम्मीदें बंधी, मगर कुछ चाटुकारिता, छुटभैया नेताओं और स्वार्थी लोगों से घिरे होने के चलते कोई भी शहर हित में निर्णय न लेने और कालानी समर्थकों को मान सम्मान न मिलने के चलते सारे पप्पू जगत कालानी खेमा छोड़कर भाजपा में चले गए। वहीं 2017 के आम चुनाव में पप्पू का बेटा ओमी कालानी मां को छोड़कर भाजपा की तरफ आकर्षित हो गए और अपनी पत्नी पंचम को महापौर बना दिया। वहीं से कालानी परिवार जनता से दूर होता चला गया। अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि क्या ओमी कर सकता है अपनी मनमानी, क्या पप्पू कालानी की विरासत और लोक नेता की छवि संभाल पाएगा ओमी कालानी। तो इसकी आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए HM News।